बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस 3.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज सेकंड लेक्चर है। आपने फर्स्ट ऑनलाइन क्विज जो है वो भी कर लिया होगा। अब जो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसमें से भी ऑनलाइन क्विज आपका आएगा कल। तो लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ऑनलाइन क्विज होगा वो इस लेक्चर से और पहले वाला जो लेक्चर है उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, लिहाजा ये वाला लेक्चर अच्छी तरह तैयार करें और पहले वाला लेक्चर भी रिवाइज करके आपने ऑनलाइन क्वेश्चन देना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 3.1। क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक किया था फर्स्ट ईयर, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 3। तो पहला पार्ट हमें प्रूव करना है, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इनटू ए। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसमें आप नोट करें ए की वैल्यू दी है 3 क्रॉस 3। याद रखें अगर रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और अगर रोज और कॉलम की तादाद डिफरेंट हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बातें ध्यान में रखनी है, ये आपके ऑनलाइन जो आपके पास पेज होंगे उसमें इस तरह की बातें होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आपके शामिल होंगे। तो मैंने बताया ए इज इक्वल टू ए आई जे, कौन सा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये क्योंकि 3 रोज हैं और 3 कॉलम, अगर रोज और कॉलम की तादाद डिफरेंट हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप सॉल्यूशन में ए क्या है दोबारा लिखें, ए आई जे 3 क्रॉस 3, इट्स मीन इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। 3 रो का मतलब पहली रो के लिए कहते हैं A1, कॉलम 3 दफे तो 3 दफे लिखे, अगर कॉलम 4 होते तो A1 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 और एक दफा फिर A1 लिखते। अच्छा, दूसरी रो के लिए A2, तीसरी रो के लिए A3 पहले। अच्छा, आप देखें ए आई जे का मतलब है आई स्टैंड फॉर रो और जे स्टैंड फॉर कॉलम, यानी आप कॉलम लिखना है तो सेकंड एंट्री पहला कॉलम है तो सबके साथ कॉलम है 1, दूसरा कॉलम है तो 2, तीसरा कॉलम है तो 3। अब यहां से वेक्टर क्या बन सकते हैं कि A3 जो एंट्री है ये कौन से रो में आएगी या कौन से कॉलम में, तो A3 का मतलब है थर्ड रो में, ये देखें A3 कौन सी रो है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम और थर्ड ही कॉलम। ऑब्जेक्टिव में आगे A2 3 लाइज इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऑब्जेक्टिव में आगे A4 5 लाइज इन फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने बातें ज़हन में रखनी है। अभी सिर्फ आपने एक मैट्रिक्स सपोज किया है, गिवन है कि ए आई जे 3 क्रॉस 3 जिसमें 3 रोज हैं, तो रो के लिए पहले लिखा है A1 A1 A1, दूसरी रो के लिए A2 A2 A2, तीसरी रो के लिए A3 A3 A3, पहले कॉलम के लिए सबके साथ 1 लगा लिया, दूसरे कॉलम के लिए सबके साथ 2 और तीसरे कॉलम के लिए सबके साथ 3। तो ये जो मैट्रिक्स दी हुआ था इसको हमने A11 A12 A13 इस फॉर्म में लिख लिया। अब जो हमने प्रूव करना उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय म्यू ए, इसमें कीमत पुट करें लैम्डा म्यू ए की वैल्यू भी आपने क्या निकाला है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो सब देखें लैम्डा की जगह लैम्डा लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाई म्यू की जगह म्यू और ए की जगह ए की जो वैल्यू आपने लिखी है वो। अब इसको क्या करें, लैम्डा म्यू अंदर मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स के बाहर जो एलिमेंट होता है कांस्टेंट होता है वो मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मैट्रिक्स की हर एंट्री से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। पहले म्यू किस से मल्टीप्लाई होगा, म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 और म्यू A33। आप देखिए पहले म्यू मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट खत्म, अब लैम्डा सब से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा पहले किस मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A
वन टू लैम्डा म्यू ए वन थ्री, फिर लैम्डा म्यू ए टू वन, लैम्डा म्यू ए टू टू, लैम्डा म्यू ए टू थ्री, लैम्डा म्यू ए थ्री वन, लैम्डा म्यू ए थ्री टू, लैम्डा म्यू ए थ्री थ्री। देखिए क्वेश्चन को अगर गौर से देखा जाए तो म्यू को पहले ए से रिप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको लैम्डा से रिप्लाई करना है। अब इसमें देखें कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है सब में, लैम्डा म्यू सब में है, तो लैम्डा म्यू कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा और म्यू। अगर एक से ज्यादा वैल्यू कॉमन आए तो उनको ब्रैकेट में लिखते हैं लैम्डा म्यू, तो अंदर क्या बन जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, तो ये लैम्डा म्यू। अब इसको ब्रैकेट में लिखें, दोबारा ये क्या बन गया, ए को अगर देखा जाए तो ये और ये सेम है, तो ये ए बन गया ए, तो ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। देखें जरा क्या थी लैम्डा म्यू ब्रैकेट में इन टू ए, तो ये दोबारा वही बन गई। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स को सिलेक्ट करना है कि वो उसमें क्या, उसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम है, ए आई जे, आई स्टैंड फॉर रो, जे स्टैंड फॉर कॉलम। तो आपके पास क्या आएगा, पहली रो के लिए ए वन, इधर भी ए वन, इधर भी ए वन, दूसरी रो के लिए ए टू, ए टू, ए टू, तीसरी रो के लिए ए थ्री, ए थ्री, ए थ्री, इधर भी वन लगा लें पहले कॉलम के लिए, इधर टू और इधर थ्री, ये आपके पास ए आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा ब्रैकेट म्यू ए ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें लैम्डा की जगह लैम्डा, म्यू की जगह म्यू ब्रैकेट एज इट इज, और ए की जगह ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री ब्रैकेट क्लोज। अब देखें म्यू मैट्रिक्स के बाहर है, मैट्रिक्स के बाहर जो कांस्टेंट होता है या जो रियल नंबर होता है वो जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एंट्री से वो मल्टीप्लाई होगा, यानी म्यू किस से मल्टीप्लाई होगा, ए वन वन से भी, म्यू ए वन टू, म्यू ए वन थ्री, तो म्यू सब से मल्टीप्लाई कर लें, फिर लैम्डा, लैम्डा म्यू ए वन वन, लैम्डा म्यू ए वन टू, लैम्डा म्यू ए वन थ्री, लैम्डा म्यू ए टू वन, लैम्डा म्यू ए टू टू, लैम्डा म्यू ए टू थ्री, लैम्डा म्यू ए थ्री वन, लैम्डा म्यू ए थ्री टू, लैम्डा म्यू ए थ्री थ्री। अब देखें अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन दो, लैम्डा भी कॉमन है म्यू भी, जब मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कोई एंट्री कॉमन लेते हैं तो वो अगर हर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तब कॉमन आएगा। देखिए लैम्डा म्यू सब के साथ है, इट्स मीन इस मैट्रिक्स से ये कॉमन आ सकती है, तो लैम्डा म्यू बाहर निकालें, तो इधर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज कॉमन आ रही है लिहाजा हम ब्रैकेट लगाएंगे, लैम्डा म्यू ये दोबारा क्या बन गया है आपके पास ए, लैम्डा म्यू ब्रैकेट में साथ ए, तो ये आपके पास कौन सी साइड बन गई, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये पहला था, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट है लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। अब देख क्योंकि ए तो वही है ना, तो ए एडेड जो पिछले क्वेश्चन में हमने सेलेक्ट किया हुआ है थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए की वैल्यू मेरे बच्चों, ए की वैल्यू है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब देखें मैंने बताया था कि मैट्रिक्स के बाद कोई भी एलिमेंट हो जब उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एलिमेंट है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के हर एंट्री पहली एंट्री इस तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले लैम्डा प्लस म्यू किस से मल्टीप्लाई होगा ए वन वन, फिर लैम्डा प्लस म्यू किस से मल्टीप्लाई होगा ए वन टू, फिर लैम्डा प्लस म्यू किस से मल्टीप्लाई होगा ए वन थ्री, फिर लैम्डा प्लस म्यू ए टू वन, लैम्डा प्लस म्यू ए टू टू, लैम्डा प्लस म्यू ए टू थ्री, लैम्डा प्लस म्यू ए थ्री वन, लैम्डा प्लस म्यू ए थ्री टू और लैम्डा प्लस म्यू ए थ्री थ्री।
देखिए लैम्डा प्लस म्यू को हर इंटिंग के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसको जरा लैम्डा किस मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा ए वन वन प्लस म्यू ए वन वन, फिर लैम्डा ए वन टू प्लस म्यू ए वन टू, लैम्डा ए वन थ्री प्लस म्यू ए वन थ्री, फिर लैम्डा ए टू वन प्लस म्यू ए टू वन, लैम्डा ए टू टू प्लस म्यू ए टू टू, लैम्डा ए टू थ्री प्लस म्यू ए टू थ्री, फिर लैम्डा ए थ्री वन प्लस म्यू ए थ्री वन, लैम्डा ए थ्री टू प्लस म्यू ए थ्री टू, लैम्डा ए थ्री थ्री प्लस म्यू ए थ्री थ्री। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट ये इधर से ये फर्स्ट एलिमेंट अलग कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, लैम्डा ए वन वन इधर से फर्स्ट एलिमेंट, लैम्डा ए वन टू इधर से फर्स्ट एलिमेंट, लैम्डा ए वन थ्री इधर से, लैम्डा ए टू वन इसका फर्स्ट, सेकंड रो का ने हर एलिमेंट पे सेकंड रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लैम्डा ए टू, सेकंड रो थर्ड कॉलम का फर्स्ट क्या लैम्डा ए टू थ्री, फिर लैम्डा ए थ्री वन, लैम्डा ए थ्री टू और लैम्डा ए थ्री थ्री। सेकंड वाले अलग करें, सेकंड एलिमेंट कौन से है, दरमियान में क्या आएगा प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब देखिए प्लस हो रहे हैं, तो दरमियान प्लस आएगा, इधर क्या आएगा म्यू ए वन वन म्यू ए वन टू म्यू ए वन थ्री, फिर म्यू ए टू वन म्यू ए टू टू म्यू ए टू थ्री, फिर म्यू ए थ्री वन म्यू ए थ्री टू और म्यू ए थ्री थ्री। दोबारा देखें यहाँ से जब ऐड हो गए, ये ऐड हो रहे हैं, तो पहले वाले ये इधर से ये और इधर से ये अलग कर लिए, क्योंकि सारे प्लस हो रहे हैं, दरमियान प्लस, इधर से सेकंड वाले इधर से भी और इधर से भी ये अलग कर लिए। इनमें से कॉमन क्या आता है मेरे बच्चों, लैम्डा इधर का तो लैम्डा कॉमन है, अंदर आएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, इधर से ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, प्लस इन दोनों इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से आपके पास कॉमन सब में म्यू है, म्यू अंदर आएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। आप देखें ये क्या बन गया लैम्डा और ये क्या बन गया आपके पास ए, लैम्डा ए प्लस ये बन गया म्यू और ये आपके पास ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको एक बार फिर से मैंने थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, सबसे पहले ए इज इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर सेकंड इसमें प्रूव क्या करना है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 6 का, लैम्डा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। सबसे पहले ए की सिलेक्शन करते हैं, ए आई जे 3 क्रॉस 3 इट्स मीन तीन रोज हैं, तीन ही कॉलम है, पहली रो के लिए सबके साथ ए1 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 ए2 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 ए3 ए3 ए3, रो के लिए कॉलम के लिए सर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये ए आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं लैम्डा प्लस म्यू ब्रैकेट ए, लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा प्लस म्यू ए की जगह ए की वैल्यू ए11 ए12 ए13 ए21 ए22 ए23 ए31 ए32 और ए33। लैम्डा प्लस म्यू ए11 से मल्टीप्लाई करें लैम्डा प्लस म्यू ए12 से लैम्डा प्लस म्यू ए13 से, इस तरह चलते जाते हैं लैम्डा प्लस म्यू ऑफ एंट्री ए33 से मल्टीप्लाई करें। अब देखें ब्रैकेट ओपन करते हैं लैम्डा ए11 प्लस म्यू ए11 यहां लैम्डा ए12 प्लस म्यू ए12 लैम्डा ए13 प्लस म्यू ए13 ऐसे चलते चलते यहां लैम्डा ए33 प्लस म्यू ए33 सारे ओपन कर दें। अब लैम्डा वाले अलग करें लैम्डा ए11 यहां लैम्डा ए12 यहां लैम्डा ए13 फिर यहां लैम्डा ए21 लैम्डा ए22 लैम्डा ए23 लैम्डा ए31 लैम्डा ए32 लैम्डा ए33 प्लस दरमियान में प्लस म्यू वाले म्यू ए11 म्यू ए12 म्यू ए13 म्यू ए21 म्यू ए22 म्यू ए23 म्यू ए31 म्यू ए32 और म्यू ए33। अब इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि लैम्डा हर एंट्री के साथ है, लैम्डा बाहर निकाल लें कॉमन ले लें, अंदर ए11 ए12 ए13 ए21 ए22 ए23 ए31 ए32 और ए33।
थ्री। आप देखिए सेकंड वाले में सब के साथ म्यू है, म्यू कॉमन ले अंदर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। ये दोबारा ए बन गया लैम्डा ए प्लस म्यू ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। ये आपने साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं, जैसे आप डियर स्टूडेंट्स कॉलेज आएंगे तो चैप्टर नंबर थ्री आपके मुकम्मल नोट्स बने होने चाहिए। इस तरह जो आप चैप्टर पढ़ेंगे थ्री फोर फाइव जितने भी पढ़ लिए उनके तमाम आपके नीट नोटबुक पे लिखे हों, तमाम नोट्स बने हों। नेक्स्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पार्ट लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन इन टू ए। इसको हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, लैम्डा ए माइनस ए, लैम्डा ए की वैल्यू ए वन वन वही क्वेश्चन ए तो वही है, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। दोबारा क्या है फिर ए ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। अब देखें दोनों माइनस हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा लैम्डा ए वन वन लैम्डा ए वन टू लैम्डा ए वन थ्री लैम्डा ए टू वन लैम्डा ए टू टू लैम्डा ए टू थ्री लैम्डा ए थ्री वन लैम्डा ए थ्री टू और लैम्डा ए थ्री थ्री। माइनस ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। आप देखिए माइनस हो रहे हैं, माइनस में जब दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस होती हैं, इधर से फर्स्ट एंट्री इधर से फर्स्ट एंट्री आपस में माइनस होंगे क्या आएगा लैम्डा ए वन वन माइनस ए वन वन लैम्डा ए वन टू किस माइनस होगा माइनस ए वन टू लैम्डा ए वन थ्री माइनस ए वन थ्री फिर लैम्डा ए टू वन माइनस ए टू वन लैम्डा ए टू टू माइनस ए टू टू लैम्डा ए टू थ्री माइनस ए टू थ्री लैम्डा ए थ्री वन माइनस ए थ्री वन लैम्डा ए थ्री टू माइनस ए थ्री टू और लैम्डा ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री थ्री। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस कर लें। अब देखें ए वन वन इधर भी कॉमन आ जाएगा तो लैम्डा बचेगा, इधर से जब ए वन कॉमन तो लैम्डा माइनस वन ए वन वन, इधर से लैम्डा माइनस वन ए वन टू लैम्डा माइनस वन ए वन थ्री, इधर से लैम्डा माइनस वन जब लैम्डा कॉमन आएगा तो ए टू वन कॉमन आएगा इधर लैम्डा इधर वन इधर ए टू टू कॉमन लैम्डा माइनस वन ए टू टू लैम्डा माइनस वन ए टू थ्री लैम्डा माइनस वन ए थ्री वन लैम्डा माइनस वन ए थ्री टू लैम्डा माइनस वन ए थ्री थ्री। अब देखें सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में लैम्डा माइनस वन, इधर से लैम्डा माइनस वन सब में से कॉमन ले लें तो इधर क्या बच जाएगा अंदर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। तो ये लैम्डा माइनस वन और इधर क्या बच गया दोबारा ए बन गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए की वैल्यू ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री वो दोबारा वही जो पहले आपने पहले दो पार्ट में लिए, लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन इंटू ए। तो लैम्डा ए माइनस ए लैम्डा की जगह लैम्डा ए की जगह ए की वैल्यू ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। माइनस ए की जगह फिर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। अब माइनस वन है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस करेंगे लैम्डा ए वन वन माइनस ए वन वन लैम्डा ए वन टू माइनस ए वन टू लैम्डा ए वन थ्री माइनस ए वन थ्री एज इट इज करते जाएं तो लास्ट में आएगा लैम्डा ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री थ्री। ये देखें ए वन वन और ए वन वन कॉमन है, इधर तो लैम्डा बच गया इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिखेंगे वन, ए वन वन बाहर आ गया इधर लैम्डा बच गया इधर वन, ए वन टू आप बाहर निकाल लें तो लैम्डा बचेगा इधर कुछ भी नहीं तो वन
लैम्डा माइनस वन ए वन टू, यहाँ से ए वन थ्री कॉमन है तो लैम्डा माइनस वन ए ए लैम्डा वन क्या है लैम्डा माइनस वन इंटू ए वन थ्री। अब टू सॉन चलते हैं एंड पे ए थ्री थ्री कॉमन लें तो लैम्डा माइनस वन ए थ्री थ्री। अब लैम्डा माइनस वन सब में से कॉमन ले लें तो इधर बचेगा ये जब लैम्डा माइनस वन कॉमन लेंगे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री जो कि ए है इक्वल टू लैम्डा माइनस वन इंटू ए एंड दैट इज राइट राइट हैंड साइड। तो ये आपके तीनों पार्ट क्लियर हो गए। क्वेश्चन सेवन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन में ए है क्या, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम। इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, दो रोज हैं तीन कॉलम। अगर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर। तो अब इसमें देखें कितनी रोज चाहिए हमें, दो और कॉलम तीन, तो ए वन को तीन दफे लिखें और कौन सा चाहिए, बी बी देखें क्या है, बी आई जे टू क्रॉस थ्री कितनी रोज है, दो रोज तीन कॉलम, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पहली रो के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि बी में है तो बी वन, तीन दफा क्यों लिखेंगे तीन कॉलम, अगर टू क्रॉस फोर होता तो बी वन को चार दफा लिखते अभी तीन, फिर बी टू और बी टू कॉलम कितने तीन, पहले कॉलम के लिए वन, दूसरे कॉलम के लिए टू और तीसरे कॉलम के लिए थ्री। अब ए भी आ गया और बी भी आ गया, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए प्लस बी, साइड पे लिख लैम्डा इनटू ए प्लस बी, लैम्डा ए की वैल्यू आप लगा लें ए वन वन ए वन टू और ए वन थ्री ए टू टू और ए टू थ्री, प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन b2 to b2 3 bracket close आप add करें lambda a11 plus b11 a12 plus b12 a13 plus b13 a21 plus b21 a22 plus b22 a23 plus b23 corresponding integers add होगी। अब lambda multiply होगा सबसे, lambda multiply होगा lambda a11 प्लस लैम्डा बी वन वन, फिर लैम्डा सेकंड से लैम्डा ए वन टू प्लस लैम्डा बी वन टू, फिर लैम्डा ए वन थ्री प्लस लैम्डा बी वन थ्री, लैम्डा ए टू वन प्लस लैम्डा बी टू वन, लैम्डा ए टू टू प्लस लैम्डा बी टू टू और लैम्डा ए टू थ्री प्लस लैम्डा बी टू थ्री। अब पहले एलिमेंट आपस में अलग कर लें, लैम्डा ए वन वन इधर से, लैम्डा ए वन टू, लैम्डा ए वन थ्री, लैम्डा ए टू वन, लैम्डा ए टू टू, लैम्डा ए टू थ्री प्लस लैम्डा बी वन वन, लैम्डा बी वन टू, लैम्डा बी वन थ्री, लैम्डा बी टू वन सेकेंड एलिमेंट, लैम्डा बी टू टू और लैम्डा बी टू थ्री। ये दोबारा देखें, लैम्डा ए वन वन पहले इधर से पहली, लैम्डा ए वन टू इधर से, लैम्डा ए वन थ्री, लैम्डा ए टू वन, लैम्डा ए टू टू, लैम्डा ए टू थ्री, सारे प्लस हो रहे थे नॉन प्लस हो, लैम्डा बी वन वन, लैम्डा बी वन टू, लैम्डा बी वन थ्री, लैम्डा बी टू वन, लैम्डा बी टू टू, लैम्डा बी टू थ्री। लैम्डा कॉमन है अंदर आएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री प्लस लैम्डा कॉमन तो अंदर बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू और बी टू थ्री।
ये मान के लैम्डा हो ये दोबारा ए प्लस लैम्डा हो ये दोबारा बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दोबारा देख लेते हैं, ए आपके पास है ए आई जे टू क्रॉस थ्री, तो पहले रो के लिए मान लेते हैं, दूसरे रो के लिए टू, कॉलम के लिए पहले कॉलम के लिए वन, दूसरे के लिए टू और तीसरे के लिए थ्री, सेम एज इट इज बी। लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा इनटू ए प्लस बी, एक जगह ए की वैल्यू बी की जगह बी की वैल्यू, दोनों ऐड हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ए वन वन प्लस बी वन वन, ए वन टू प्लस बी वन टू, ए वन थ्री प्लस बी वन थ्री, ए टू वन प्लस बी टू वन, ए टू टू प्लस बी टू टू, ए टू थ्री प्लस बी टू थ्री। अब लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा ए वन वन लैम्डा बी वन वन लैम्डा ए वन टू प्लस लैम्डा बी वन टू लैम्डा ए वन थ्री प्लस लैम्डा बी वन थ्री, सबके साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर एंड पे क्या आएगा लैम्डा ए टू थ्री प्लस लैम्डा बी टू थ्री। ये जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है ये वाली, ये इनका लंग मैट्रिक्स बना लेते हैं, दरमियान क्लास और सेकंड एंट्रीज जो हैं ये वाली, इनका अलग मैट्रिक्स बना लेते हैं दरमियान क्लास। इनमें से लैम्डा कॉमन है, अंदर क्या बजेगा लैम्डा कॉमन आ गया, अंदर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री आपके पास आ जाएगा, इधर से लैम्डा कॉमन है बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू और बी टू, ये बन गया लैम्डा और ये ए प्लस लैम्डा और ये बी, ये आपका आपकी राइट हैंड साइड बन गई। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेके सिक्स के तीनों पार्ट को सेवन की है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे एट से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आपने इन तमाम क्वेश्चन को अभी नीट नोटबुक पे लिखना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।